रूम अपार्टमेंट, 3 बेडरूम, स्टोर रूम, 3 बाथरूम। सबसे पहले एंट्रेंस पे दिया हुआ है ये आपका एक फॉयर एरिया, जिसमें लेफ्ट साइड में एंट्रेंस दी हुई है एक बेडरूम की, प्लस ये डेकोरेशन। और राइट हैंड साइड को स्टोर रूम होता है, जिसको कन्वर्ट करके ओपन में बना लिया है सर ने। और सबसे पहले मैं आपको कनेक्ट करता हूँ ड्राइंग रूम में। काफ़ी अच्छा स्पेस है, फुली डेकोरेटेड, ऑल न्यूली डन वर्क का है। ये इसमें टीवी कैबिनेट के लिए स्पेस, ये बालकनी को मर्ज करके ड्राइंग रूम के साथ डाल दिया है। इसी से लेफ्ट साइड में हम चाहेंगे तो डाइनिंग एरिया में कनेक्ट करेंगे। इसके लेफ्ट साइड में जो पहला बेडरूम है, कंप्लीट वुडन वर्क प्लस अटैच बालकनी। ये बाहर से ही साथ में एंट्रेंस भी है। और ये इसका कंप्लीटली रेनोवेटेड टॉयलेट। इससे रिटर्न में हम कनेक्ट करते हैं डाइनिंग स्पेस में। डाइनिंग स्पेस के साथ ही लगा हुआ है आपका किचन। ये मॉड्यूलर किचन है, टोटल वर्क किया हुआ है इसके अंदर। इसके साथ भी बालकनी दी हुई है, हर एक के साथ बालकनी दी हुई है। और इसमें टोटल दूसरी तरफ की नज़र आती है। लोकेशन पार्क फेसिंग, यहीं से वापस जाते हुए डाइनिंग में। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम का साइज काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, 16x13 का। सामने वुडन वर्क बिल्कुल न्यूली डन है, प्लस अटैच बाथरूम। बाथरूम भी काफ़ी न्यूली रेनोवेटेड है। सभी चीज़ें इसमें फुली लोडेड है, गीजर हर चीज़ मौजूद है, पाइपलाइन भी चेंज है, पूरा फिटिंग फिक्सचर। इसके साथ सबसे बढ़िया बात है, एक बड़ी बालकनी इस तरफ दी हुई है, काफ़ी बिग साइज बालकनी है। लोकेशन भी बढ़िया है। रिटर्न जाएंगे तो फिर से कनेक्ट करते हैं ड्राइंग कम डाइनिंग में। और लेफ्ट साइड में आपका थर्ड बेडरूम का एंट्रेंस, सामने है वुडन वर्क। इसका साइज दिया हुआ है आपका 14x12 का। इसके साथ भी बालकनी दी हुई है, प्लस इसके साथ अटैच बाथरूम, ये भी फुल्ली रेनोवेटेड। काफ़ी अच्छा स्पेस, इस बालकनी से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है आपका। और काफ़ी एरी सन फेस। और वापसी में कनेक्ट करते हुए ड्राइंग कम डाइनिंग, ऐसा एंट्रेंस।